हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब और स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं, जो पहले मैंने आपको वीडियो दिया था कि मतलब कैसे आप बिना किसी ओटीपी वगैरह के ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, बिना किसी ओटीपी के, बिना किसी सीवीवी के, बिना किसी एटीएम पिन के, सिर्फ डेबिट कार्ड के डिटेल से। तो आज इस वीडियो में हम आगे जानने वाले प्रैक्टिकली कि कैसे आप इन सभी चीज़ों को कर सकते हैं, क्योंकि बहुत हमारे एक यूजर ने कमेंट करके बोला था कि हमको प्रैक्टिकली वीडियो चाहिए। हालांकि मैंने उसमें बता दिया था, कुछ खास बताने के लिए था नहीं प्रैक्टिकली, इसलिए मैंने बताया नहीं। लेकिन फिर भी यार, अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो मेरा काम है आपको डाउट्स क्लियर करना, ठीक है। तो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप जो है ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकली करके दिखाने वाला हूँ, बेसिकली कि कैसे आप कर सकते हैं बिना डेबिट कार्ड बिना डेबिट कार्ड के सीवीवी के, और उसके बाद वो सीवीवी के अलावा एटीएम पिन के, या फिर मतलब कोई भी, क्यों सिर्फ डेबिट कार्ड का डिटेल्स यूज करके मैं आपको इसमें ट्रांजेक्शन करके दिखाने वाला हूँ। तो ज़्यादा जानकारी पाने के लिए इस टॉपिक के बारे में इस वीडियो को अंत तक देखते रहें। हैलो दोस्तों, मेरा नाम विकास और आप देख रहे हैं टेक्साला चैनल। बस मैंने से मैं चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि ये जो आपका क्या कहते हैं, कोई भी इंडिया में आप जब ट्रांजेक्शन करते हो तो आपको पता है कि एटीएम पिन या सीवीवी देना पड़ता है। पर जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन मैंने बताया था करते हैं, तो आपको जो इन दोनों चीज़ों की जरूरत नहीं पड़ती है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? तो यहाँ पे जो आरबीआई के रूल्स होते हैं, इंडिया में सिर्फ चलते हैं, बाहर नहीं चलते, ठीक है। इसलिए बाहर में अलग रूल होते हैं, वहाँ पे नहीं देने पड़ते। तो आप पूछेंगे यार, ऐसा सोर्स कहाँ पे जहाँ पे लगे? तो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जो भोपाल नाम का ऐप, आपको इसमें आपको फ्री प्राइस मिल जाती है, आप उसमें जाके चेक कर सकते हैं। मैं आपको लिंक कहीं तो प्ले स्टोर वाला दे दूँगा कमेंट सेक्शन में, पिन कमेंट्स में, या आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँ। और वो ऐप डाउनलोड करके उसमें आप जाके कोई भी फ्री प्राइस खरीद लीजिए, सस्ता था। उसके बाद उसमें आप जाके सिर्फ डेबिट कार्ड डिटेल्स का फिल कर देंगे, वो अपने ट्रांजेक्शन कर लेगा, आपको कुछ सीवीवी ओटीपी वगैरह नहीं देना, ठीक है। और उसके लिए क्या करना है, आपको गियर बेस्ट पे जा सकते हैं, अली बाबा पे जा सकते हैं, अली एक्सप्रेस पे जा सकते हैं, और जितने भी मतलब फॉर्म की वेबसाइट्स हैं उन पर आप ये ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं ऐप्स में आपको गियर बेस्ट पे करके दिखा सकता हूँ, या मोबाइल पे। फिलहाल लोग मोबाइल जो एप्लीकेशन है आते हैं उसमें डाउनलोड करके दिखा दो। उसके लिए पहले आप प्ले स्टोर पर जाइए, मोबाइल सर्च कीजिए, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा आप चेक कर सकते हैं। यही आपका ऐप है, इसे आप डाउनलोड करके इंस्टॉल करिए। इंस्टॉल करने के बाद ओपन करिए, यहाँ पे आप फ्री वाइज देख सकते हैं, यहाँ पे कोई भी ऐप सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद एक पिन कार्ड करिए, उसके बाद पे करिए, पेमेंट ऑप्शन पे जाइए, डेबिट कार्ड डिटेल्स, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स को सेलेक्ट करिए, वहाँ पे अपना फिलअप कर दीजिए, बस हो गया। तो उसके बाद क्या होगा, आपसे ओटीपी मांगा नहीं जाएगा, सीधे आपका काम डन हो जाएगा। और यही था टोटल आज इस वीडियो में। उम्मीद है आपको प्रैक्टिकली समझ में आया होगा कि मैंने यहाँ पे क्या क्या स्टेप्स फॉलो किए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वैसे मेरा इस वीडियो का जो मोटिव है, सिर्फ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना है, ना कि किसी को भी हार्म पहुँचाना कि मतलब आप इस मेथड का यूज़ करके किसी दूसरे डेबिट कार्ड डिटेल्स या डेबिट कार्ड यूज़र का आप हार्म पहुँचा सकें, ठीक है। तो बस फिलहाल वीडियो तक ही, मिलता हूँ मैं आपसे आने वाले अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।